सांसद उदित राजजी हमारे बीच में है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं जो 26 तारीख का प्रोग्राम है उसकी क्या रूपरेखा है और 26 तारीख को जो आरक्षण बचाओ रैली का क्या क्या मकसद है। सर आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सर ये जो 26 तारीख को आप जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आरक्षण बचाना है, प्रश्न आपके प्रश्न में उत्तर भी है। आरक्षण खत्म हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा कायम कर दी जा रही है और कुछ दिन के बाद उनको निकाल दिया जाता है। आउटसोर्सिंग तो ठेकेदारी से भी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ तो कंट्रैक्ट लेबरर का भी जॉब नहीं मिलता है, किसी सरमाएदार बिजनेस को दे दिया जाता वर्क, वो अपने हिसाब से काम करा करके सरकार को वापस देता है। तो इन्हीं के खिलाफ लड़ाई है, पदोन्नति में आरक्षण का है, निजी क्षेत्र में आरक्षण का है। अभी यहाँ कुछ नर्सिंग स्टाफ के लोग आए थे तो अब उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज प्राइवेट मेंबर बिल हमने संसद में निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया है, लेकिन समाज का आवश्यक समर्थन न मिलने की वजह से, पार्टियों के ऊपर दबाव नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से संविधान संशोधन होता और निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलता तो आज इनकी समस्या न होती। सर बाबा साहब का सभी नाम लेते हैं, छोटी छोटी संस्था बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि मुझे जानकारी और मैंने पढ़ा कि सर आगरा के अंदर एक बार बाबा साहब ने बड़ा माउस होकर और एक आंखों के अंदर आंसू ले आए थे कि मुझे उन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है कि आज जो जो व्यवस्था चल रही है। सर आज भी स्थिति में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आया है, ये दूसरी और तीसरी पीढ़ी है, जिसको फ़ायदा मिल जाता है अपना फ़ायदा लेकर के बैठ जाता है, त्याग नहीं होता उसके अंदर। तो जिन्हें फ़ायदा मिला है जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा होती है समाज को लड़ाई लड़ने के लिए, और समाज में एक नकारात्मकता इस बात की आ गई है कि जो जनप्रतिनिधि है वही लड़ाई लड़ेंगे और समाज बैठा रहेगा। जनप्रतिनिधि को समाज वोट नहीं देता, समाज पार्टियों को वोट देता है, तो पार्टियां जितवा के ले जाती हैं जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि पार्टियों के इशारे पर नाचता है और जनप्रतिनिधि अगर पार्टी की बात नहीं मानता तो कान पकड़ के निकाल दिया जाता है और फिर दूसरा उसके जगह पर लाया जाता है और वही समाज दूसरे को वोट देता है, अपने जनप्रतिनिधि से पूछ करके वोट नहीं देता। और जनतंत्र के अंदर वोट ही ताकत है, ये विडंबना है, इसके लिए समाज को में जागृति पैदा करने की ज़रूरत है। सर 26 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे आवाम से आप? 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे रामलीला मैदान में लोग पहुँचे लाखों की संख्या में, और जब तक ताकत नहीं दिखेगी भीड़ की तब तक कोई सरकार मानने वाली नहीं है। अभी हमारे बीच में है उदित राज जी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और बाबा साहब को लेकर और गौतम भगवान गौतम बुद्ध को लेकर अधिक से अधिक तादाद में आने की उन्होंने अपील की।